समीपस्थ ग्राम पारा गांव में राशन कार्ड की नवीनीकरण का खामियाजा गांव के एक पीड़ित को अपने बीपीएल राशन कार्ड से वंचित होकर चुकाना पड़ा। आज इस मामले में 10 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर देखना तो दूर झांकना भी मुनासिब नहीं समझा है। लिहाजा आज 10 माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को राशन लेने से पूरा मामला यह है कि पारा गांव के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली ओसो कुर्रे पति जितेंद्र कुर्रे बेहद ही गरीब मजदूर परिवार से आते हैं। घर में दोनों पति पत्नी के अलावा उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति ड्राइवरी कर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करता है। ओसो कुर्रे ने बताया कि आज से लगभग 10 माह पूर्व राशन कार्ड की नवीनीकरण के लिए उनसे भी सभी की तरह अपने बीपीएल कार्ड को फिर से नया बनाने के लिए दिया था। कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोगों का राशन कार्ड बनकर आ गया, लेकिन हमारा नहीं आया। जिस पर हमने इसकी जानकारी जुटाने सचिव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने तो भेज दिया था, बना नहीं है, तो जल्द ही तुम्हारा राशन कार्ड बनकर आ जाएगा कहकर भेज दिया। फिर लगभग 2 माह बाद बीपीएल कार्ड की जगह हमारा एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर सामान्य लोगों के लिए बनने वाला राशन कार्ड बनकर आया, जिस पर हमने आपत्ति जताते हुए सचिव से शिकायत की तो उसने हमें अभनपुर खाद्य विभाग के अधिकारी के पास सुधार के लिए भेज दिया, जहां अभनपुर से हम पूरे परिवार के साथ कलेक्टर रायपुर के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई, जहां कलेक्टर एस के भारतीदासन द्वारा तुरंत एपीएल कार्ड को निरस्त कर नए बीपीएल कार्ड बनाने के लिए आदेशित किया गया था। पीड़ित ने बताया कि बीपीएल कार्ड न बनने से व्यथित होकर हमने न्याय के लिए क्षेत्रीय विधायक धनेन्द्र साहू को इस मामले को अवगत कराया। उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए नवंबर माह में ही सचिव को नया बीपीएल कार्ड बनाने के लिए आदेशित किया, लेकिन आज भी इस पूरे मामले में 10 माह बीत चुके हैं। ऑफिस के चक्कर काटते काटते पीड़ित और उसके पति के पैर के चप्पल घिस चुके हैं, लेकिन अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया है, जिससे पीड़िता सहित उसका परिवार काफ़ी निराश है। 10 माह बीत चुके हैं, वे किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने DNX चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें बीपीएल कार्ड बनाकर दिया जाए, जिससे उनके परिवार को किसी भी प्रकार की समस्याओं से न जूझना पड़े। जब इस मामले पर हमने पंचायत सचिव से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नेट में सर्वर सिस्टम में गलती होने के चलते कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। इस मामले में अभनपुर व जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया था। उन्होंने भी जल्द नया बीपीएल कार्ड बनाकर भेजने की बात कही थी। सबसे हैरानी वाली बात इस मामले में यह है कि जब पीड़िता ने राशन कार्ड की नवीनीकरण फॉर्म भरा था तो उसे कैसे बीपीएल की जगह एपीएल बना दिया गया। पीड़िता कहती है कि उन्होंने फॉर्म भरा था जो सरपंच सचिव द्वारा ऊपर भेजा नहीं गया था। जब हमने अभनपुर में पता किया तो बताया गया कि आपका फॉर्म तो आया ही नहीं। फिर 2 माह बाद एक कार्ड बनकर आता है, वह भी एपीएल का। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। पीड़ित ने सरपंच सचिव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विधायक से अपील की थी, जो राशन कार्ड बनाने के नाम पर सहयोग करने की जगह बार बार घुमाते हैं। आज पीड़ित ने बताया कि बाहर से अधिक मूल्य में चावल खरीद कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग के साथ जल्द से जल्द मदद की गुहार शासन प्रशासन से की है। इस पूरे मामले में जब हमने अभनपुर विकास खंड की खाद अधिकारी रीना साहू से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बीपीएल कार्ड की नवीनीकरण के लिए फॉर्म नहीं भरा था, वही बीपीएल की जगह एपीएल कार्ड का फॉर्म भरकर भेज दिया था, लिहाजा उनका एपीएल कार्ड बना है और बाद में फिर से उस कार्ड को निरस्त कर एपीएल कार्ड के लिए आवेदन किया गया। अभी नए कार्ड बनेंगे तो ही यह संभव होगा, फिलहाल इस पर रोक लगी है। पीड़िता नया फॉर्म भरकर उसे जमा कर दे, फिर इस पर कुछ कार्रवाई होगी। पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि इस मामले पर मैंने सचिव को निर्देशित किया था और कहा था कि इनका एपीएल कार्ड निरस्त कर बीपीएल कार्ड बनवाएं, लेकिन देरी समझ से परे है। गलतियों से संबंधित मामलों के सुधार के लिए सभी गाँव के सचिव को निर्देशित किया गया था। राशन कार्ड अभी फिर से बनने वाला है, जिसमें वह पूरे पात्रता के साथ घोषित पत्र के माध्यम से सचिव आवेदन कर दें, जिससे नया राशन कार्ड जल्द बन सके। DNX TV के लिए नावपारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ
पीड़ित आंसू कुर्रे हैं जिनका बीपीएल कार्ड की जगह एपीएल कार्ड बना दिया गया है। जी बताइए मैम, किस तरह से समस्या आज आपको हो रही है? ये राशन कार्ड है हमारा गरीबी वाला, उसको अमीरी वाला बना दिए है, और हम लोग 5 है और 10 महीने से राशन नहीं दे रहा है। और इसकी जानकारी आपने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है इस समस्या से? हाँ, सभी को लगाए है, कलेक्टर के पास भी गए थे और सचिव सरपंच को भी किए गए थे, तो वो लोग बोले कि आपका राशन कार्ड नहीं बना है, और बना है तो 10 वाले बने हैं। पहले आप लोग का पहले 1 रुपया किलो में चावल मिलता था, आज 10 रुपये मिल रहा है, 1 रुपया वाला। तो ये सब कैसे हो गया? ये सब हम लोग काम नवीनीकरण के लिए दिए थे तो जमा नहीं किए है, हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ है। अच्छा, काम को जमा ही नहीं किया है, ऊपर नहीं दिया है, यहाँ से गांव से सचिव द्वारा नहीं दिया गया है? सचिव द्वारा नहीं दिया है। और वहाँ अभनपुर में जाकर पता किया तो पता चला कि आपका नवीनीकरण नहीं हुआ है। जी, आगे फिर आपने विधायक जी से भी इस संबंध में जानकारी बताई उनको? हाँ बताई है, कलेक्टर के पास भी गया। कितने महीने बीत चुके हैं आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? 10 महीना। 10 महीना से मतलब आप राशन नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे, इसलिए क्योंकि आपका एपीएल कार्ड बना हुआ है एपीएल की जगह। जी, आपकी क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन से? हमारा राशन कार्ड बनाइए ना, गरीबी वाला। हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित आंसू कुर्रे के पति जितेंद्र कुर्रे यहाँ पर हैं। जी जितेंद्र जी, बताइए किस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है राशन कार्ड नहीं होने के चलते? हो चुका है कि हमारे पास एक वाला कार्ड था जी, उसमें तो 10 वाला बना दिए हमको जी। 10 महीने से हम लोग परेशान हो रहा है, सचिव पास जाते तो बोलता है कि पंचायत में रहो, पंचायत वाला बोलता है सरपंच जाओ, सचिव पर जाओ, सचिव बोलता है कि अभनपुर जाओ, जनपद जनपद वाला बोलता है कि रायपुर जाओ। फिर हम थक गया, फिर विधायक के पास गया था, विधायक के दिया तुरंत इसको निरस्त करके इसको बनाया जाए करके, हमारा बात कोई सुन ही नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हो गए। कम से कम इसको कोई भी हालत में हमारा बनाया जाए कालडा को जी, इसलिए अपनाए आप सबको। 10 महीना बीत चुके, आप लोग को राशन नहीं मिल रहा है, और प्रशासनिक जो एक दूसरे को वो कहते जा रहे हैं कि उनके पास जाइए, उनके पास जाइए, लेकिन समाधान अभी तक आपका नहीं हो पाया है। आप क्या चाहते हैं? हमारा समाधान पूरा हो जाए, हमारा मांग है जो पूरा मिला जाए, और किसी के पास ऐसी नहीं होना चाहिए कि अमीर किसी को बनाना नहीं चाहिए। हमारे पास न खेत है न खारे कुछ नहीं है जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 5 है, 3 बच्चे मिले, 2 हम लोग हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी, अभी तो गाड़ी मेरा बंद था, 3 महीने से बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। जी जी, ठीक है।